हेलो एंड वेलकम टू आरएनटी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल लाइव। आज से ये वीडियोस की सीरीज शुरू हुई है, जब तक हमारा इकोनॉमिक सर्वे पूरा नहीं हो, काफ़ी लंबा चौड़ा इकोनॉमिक सर्वे है, हमें उसका शॉर्ट रूप जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम क्या करने वाले हैं, रोजाना डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी इकोनॉमिक सर्वे की जो सीरीज़ है उसका पहला वीडियो है, तो इस तरह से आप लाइव जुड़िए और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी 14 तारीख को या 15-16 तारीख को जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें इसका महत्व है, आगे वीडियो का एग्जाम आएगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिस भी एग्जाम आता है आरएएस सब में इकोनॉमिक सर्वे पूछा जाता है, तो हम इसको क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021। इसमें दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में और फिर हम बात करने वाले हैं जीएसडीपी के बारे में। अब सबसे पहले जानते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे होंगे इतना शॉर्ट बोर्ड पे क्यों लिखा है, जगह कम है तो मैं इसका फुल फॉर्म नहीं लिख पाऊंगा, आपको मैं समझा दूंगा। इसका फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद। अब कोई देश है उसकी सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष के दौरान टोटल जो अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य होता है जिसकी दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए, ऐसे मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। ये तो बात हुई देश की, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ नेशन, यानी ये किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर यही बात अगर हम राज्य पे लागू कर देते हैं, यानी किसी राज्य में एक वित्त वर्ष में, भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक वित्त वर्ष के दौरान राज्य की सीमाओं के अंदर जो कुछ भी कमाया जाता है या जो भी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है उसको हम जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप कहोगे ये दोनों क्यों लिखे, दोनों इसलिए लिखे क्योंकि मैं इसमें इकोनॉमिक सर्वे जो है आर्थिक समीक्षा इस 2021-22 में मैं इंडिया के आंकड़ों की भी बात करूंगा और राजस्थान के आंकड़ों, इसलिए पहले मैं जीडीपी बताऊंगा फिर आपको जीएसडीपी। अब आप कहेंगे हमें पता नहीं ये जीडीपी जीएसडीपी होता क्या, पहली बार आपके सामने आ रहे हैं, आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हो, किसी भी राज्य के स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना पड़ता है। रीजन सुनो, आपका घर है, आपके घर में आपके पिताजी कमाते हैं, ठीक है, और भी सदस्य कमाते होंगे, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब आप अपने घर का जो खर्चा हो, जैसे एक साल मान लेते हैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक आपके घर का खर्चा क्या है, मतलब आपके घर का टोटल अमाउंट कितना, मतलब कितना पैसा उन्होंने कमाया, उसमें से कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ, यानी कितना पढ़ाई पे खर्च हुआ, कितना स्वास्थ्य पे खर्च हुआ, कितना बाकी चीजों पे खर्च हुआ, इसको ही हम क्या कहते हैं, अपने घर की जीडीपी हो गई वो। जैसे कि वैसे एक देश होता है, वो देश अपने देश की सीमा के अंदर, यानी अपने देश के अंदर अंदर कितना वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या है, मध्य मूल्य नहीं होना चाहिए, यानी जो मध्य मूल्य होता है वो नहीं गिना जाता, अंतिम मूल्य है उसको गिन करके क्या तैयार होती है, जीडीपी, यानी टोटल। ये सामान्य भाषा में अगर आप सुनो, ये ग्रामर में, ये जो आपकी इकोनॉमिक की भाषा है उसमें तो इसको जीडीपी कहते हैं, जीएसडीपी कहते हैं। नॉर्मल भाषा में ये समझिए कि एक देश एक साल में कितना मौद्रिक मूल्य वस्तुओं और सेवाओं में क्या कमाता है उसको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। और वहीं अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य कितना कमाता है उसको हम क्या कहते हैं, जीएसडीपी कहते हैं। वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स में, जीडीपी होता है, एनडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनएनपी होता है, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट कॉस्ट पे, ठीक है, इसके अलावा नेशनल इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय होती है, बहुत सारी चीजें होती है, व्यक्तिगत योग्य आय होती है, वो सारी चीजें आपके यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उसमें पूछी जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण में यानी इकोनॉमिक सर्वे से कोई क्वेश्चन आता है तो सीधे ये डाटा पूछे जाते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे, इन डाटा को अगर आप याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। एक बार वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दिए, मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं बिकॉज टुडे आई डू नॉट हैव फोन, मेरे पास मोबाइल फोन ही एक ही है उससे लाइव चल रहा है, तो आप वीडियो को देखिए और लोगों के साथ में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए अब देखो मैं आपको समझाता हूं, यहां पे इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। जीडीपी समझ में आया, यानी एक देश द्वारा एक साल के अंदर कितना पैसा कमाया जाता है उसको मान ले, मोटा मोटा आप मान लें। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या है, तो प्रत्येक साल भारत सरकार और राजस्थान सरकार क्या करती है, फरवरी में जब उनका बजट सेशन होता है, आपको पता है संसद के 3 सेशन होते हैं, वैसे भी विधानसभा में 3 सेशन, तो बजट सत्र आता है, यानी जब राज्य के पैसे के लिए चीजें लेके आते हैं कि भाई हम एक साल में कितना कितना खर्च करें, बजट सेशन आता है तब हमारा एक आर्थिक सर्वे जारी होता है और उस आर्थिक सर्वे में लिखा होता है कि पिछले साल या फिर इस साल हमारा कितना राज्य की वृद्धि दर कितने रहने वाली है, राज्य कितनी वृद्धि दर से आगे बढ़ेगा, या फिर राज्य की जीडीपी कितनी है, या देश की जीडीपी, या राज्य की जीएसडीपी कितनी है, ये सब क्या किया जाता है उसमें जानने का प्रयास किया जाता है। चलिए अब अपन शुरू करते हैं।
अगर हम सबसे पहले बात करें 2020-21 और 2021-22 के आंकड़े साथ में लेके हैं ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आ जाए। सबसे पहले समझते हैं जीडीपी को निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, अब देखो। और दूसरा करंट, करंट का मतलब होता है प्रचलित, यानी अभी जो मूल्य चल रहा है उसके ऊपर। दो तरीके से निकालते, एक तो कांस्टेंट प्राइस पे, एक प्रचलित। तो स्थिर और प्रचलित। स्थिर क्या होता है? स्थिर का मतलब होता है कई सालों से अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, या कई सालों से जीडीपी या जीएसडीपी की क्या स्थिति, उसको हम कहते हैं स्थिर मूल्य, ठीक है। और करंट मतलब वर्तमान में क्या स्थिति है उसके बारे में। अब आपसे पूछे कि भाई भारत में जीडीपी और जीएसडीपी, या राजस्थान में, या भारत में जीडीपी जीएसडीपी जब हम निकालते हैं, भारत का जीडीपी राजस्थान का जीएसडीपी जब निकालते हैं, तो इसका हम आधार वर्ष क्या रखते हैं? मतलब आधार वर्ष का मतलब होता है जब आप स्थिर मूल्य निकालोगे तो कौन से साल को आधार बना करके उसके स्थिर मूल्य निकालोगे। तो हमारे राजस्थान में 2011-12 को जीडीपी और जीएसडीपी निकाल, राजस्थान और इंडिया में क्या रखा जाता है 2011-12 को आधार वर्ष। आधार वर्ष मतलब हम इसकी तुलना 2011-12 के बाद वालों से करेंगे। कॉन्स्टेंट प्राइस, कॉन्स्टेंट प्राइस का मतलब इसका मतलब अपने आप कौन सा हो जाता है 2021-22, जिस साल में इकोनॉमिक सर्वे जारी हो रहा है उसी साल जो प्राइस होती है उसको हम कॉन्स्टेंट, मतलब जिस साल सर्वे जारी हो रहा है उस दिन क्या स्थिति है, और 2011-12 की तुलना में, यानी आधार वर्ष की तुलना में क्या स्थिति है उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें, पहले इंडिया की जीडीपी की बात करें तो एक इंडिया की जीडीपी है 135 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। ये कब थी? 2020-21 में कितनी थी? 135 लाख करोड़। यहां जितना भी डाटा लिखा है ये सब लाख करोड़ में है, ठीक है। तो हमारी जीडीपी कितनी है? 135 लाख करोड़ रुपए भारत की। कब थी? 2020-21 में। फिर क्या हुआ 2021-22 में बढ़ करके कितनी हो गई? तो ये हो गई 147 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। LCR का मतलब होता है लाख करोड़ रुपए। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखा दे रहा तो अपने मोबाइल फोन की क्या बढ़ा लेना, रेजोल्यूशन बढ़ा लेना, उससे साफ दिखेगा। तो पहले हमारी कितनी थी 135 लाख करोड़ रुपए और 147 लाख करोड़ रुपए होगी 2021-22 में। यानी अब वर्तमान में स्थिर कीमतों पर भारत की जीडीपी कितनी है? तो भारत की जीडीपी है 147 लाख करोड़ रुपए। कब? कांस्टेंट प्राइस पे। सवाल पूछेगा आपसे कि 2021-22 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत की कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? 147 लाख करोड़। शॉर्ट में याद कर लो, बहुत ज्यादा 1,47,53,533 करोड़ है, इतना नहीं याद करना आपको, सीधा याद करना है 1.47 लाख करोड़ रुपए। 147 लाख करोड़ रुपए हमारी क्या है? जीडीपी है, ठीक है। अब जीडीपी कितनी गति से बढ़ रही है, ये बात है कि भारत की जीडीपी कितनी स्पीड से बढ़ रही है। देखो 9.2%, ये चाइना के बाद हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं, हम तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बहुत लंबी ग्रोथ है। अमेरिका वगैरह होता है वो 2-4% की स्पीड से, मतलब भारत कितने प्रतिशत की स्पीड से ग्रोथ कर रहा है, तो भारत की जीडीपी 9.2% की स्पीड से गति कर रही है। चाइना के बाद हम सेकंड है। अब हुआ क्या है, अब चीन में आ गया है कोरोना वापस, अब वहां पे लॉकडाउन लग गया, अब चीन की गिर जाएगी। हमारे यहां लॉकडाउन नहीं है, हमारे यहां कोरोना नहीं है, तो अब हमारी जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी वो और तेज गति से आगे बढ़ेगी। तो ये नौ, अब बताओ कितने प्रतिशत थी? तो 2020 में 2021 पिछले साल हमारी जो जीडीपी का प्रतिशत था वो -7.3 था। देखो आप -7.3, इसको हम कहते हैं वी शेप रिकवरी। यानी भारत कोरोना जब आया तो हमारा जीडीपी गिर गया, मतलब हमारे देश की आय गिर गई नीचे, ठीक है। हमारे देश में वस्तुओं सेवाओं का मूल्य गिर गया, और जैसे ही कोरोना वापस गया हमारा मूल्य वापस बढ़ गया। इसको हम कहते हैं वी शेप रिकवरी, यानी अचानक से रिकवरी हुई भारत में। तो 9.2% हो गई है, पहले कितनी थी याद रखना -7.3। अब आप कहोगे पिछले साल के अंदर कंपैरिजन में पूछ सकता है, इस वजह से आपको यहां पे दिए जा रहे हैं। आई होप यहां पे समझ में आ गया। अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो जीएसडीपी है, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राजस्थान कितना मौद्रिक मूल्य है, राजस्थान का वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या है एक वर्ष में, तो राजस्थान का 2020-21 में था 6.60 लाख करोड़ रुपए। अब आप देखो भारत 135 लाख करोड़ रुपए, उसका राजस्थान कितना 6. उसमें राजस्थान कितना जीडीपी में कितना योगदान देता है 6.60 लाख करोड़ का। लेकिन वर्तमान का याद रखना है आपको, ये नहीं याद रहेंगे कोई बात नहीं, ये दोनों फैक्ट आपको याद करने हैं। ये फैक्ट है ना, इसके ऊपर मोस्ट लगा दो, ये आपसे पूछ सकता है और मैं बताऊंगा, बहुत सारे एग्जाम इस वाला आएगा। 7.33 लाख करोड़ रुपए, यानी 2021-22 में राजस्थान का स्थिर मूल्यों पर, यानी कांस्टेंट प्राइस, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, उसका जीडीपी जीएसडीपी कितना है, तो वो है 7.33 लाख करोड़ रुपए। भारत का 147 लाख करोड़ रुपए। भारत कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, 9.2 स्पीड की। जीडीपी दर क्या है हमारी, वृद्धि दर क्या है, तो वृद्धि दर है 9.2%, और राजस्थान की वृद्धि दर क्या है, तो 11.04%, यानी हम भारत से 2% तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमारी क्या हालत थी, पिछले साल हम भारत से फिर भी अच्छे थे, 2.86% की स्पीड से हमारी जीएसडीपी रेट थी। इस बार कितनी हो गई हमारी,
हमारी ग्रोथ रेट, तो हमारी ग्रोथ रेट है 11.4%। ये फैक्ट आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो आई होप यहां से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं करंट प्राइस पर भारत की जीडीपी क्या है। तो करंट प्राइस पर भारत की जीडीपी है 197 लाख करोड़। हमेशा ध्यान रखो आधार वर्ष वाली जो होगी वो हमेशा कम होगी और जो करंट प्राइस वाली प्रचलित वाली वो ज्यादा। कारण क्या है, ये आंकड़े 2011-12 के आधार पर आ रहे हैं और ये आंकड़े 2021-22 लेटेस्ट आ रहे हैं, इस वजह से ये ज्यादा है। तो 197 लाख करोड़ रुपए जो थी 2020-21 में वो बढ़कर के 232 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यानी भारत का करंट प्राइस पर जीडीपी कितना है, 232 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 2021-22 में था। बढ़ोतरी हुई है देखो 3 करोड़ यहां पर और 35 लाख करोड़ की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। चलिए राजस्थान की क्या स्थिति है, तो राजस्थान का 10.33 लाख करोड़ रुपए करंट प्राइस पे जीएसडीपी था, वर्तमान में ये बढ़कर के 11.96 लाख करोड़ क्या हो चुका है, हमारा जीएसडीपी हो चुका है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो चुका है। पर वृद्धि की बात करें तो भारत में वृद्धि दर हुई 17.6%, ये बहुत अच्छी रिकवरी। हम कहां पर थे, -3% पर थे, और राजस्थान की हुई है 18.4%, हम कहां पर थे, 1.43% पे थे। अब आपको कौन से डाटा याद रखने हैं, तो मैं जिस चीज को मैं गोला कर रहा हूं वो डाटा याद रखो आपको, ये और ये डाटा आपको याद रखने हैं। पीछे वाले वो तुलना के लिए मैं लेके आया था, मतलब हम कंपैरिजन कर सकें कि हमारी जीडीपी जीएसडीपी कितना बड़ा है। तो हमारा ये डाटा दोनों याद करना। भारत आपको पूछे भारत की स्थिर मूल्यों पर जीडीपी बताओ 147 लाख करोड़ रुपए, वृद्धि दर बताओ 9.2%, ठीक है। राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी बताओ 7.33 लाख करोड़ रुपए, वृद्धि दर 11.4%, ठीक है। भारत की करंट प्राइस पे यानी जो वर्तमान के प्रचलित मूल्यों पर बताओ तो 2.32 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, वृद्धि दर बताओ 17.6%, ठीक है, और 11.96 लाख राजस्थान का जीएसडीपी है करंट प्राइस पर और 18.4% की वृद्धि दर के हिसाब से ये बढ़ा। अगर आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई है तो एक बात थम सब करो, यानी ये दोनों प्राइस आपको समझ में आए और ये डाटा आपको पक्का याद कर लो, इसको उतार लो कॉपी के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद करना है, ये पक्का किसी न किसी एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा। चलो आगे बढ़े, अब अपन बात करते हैं जीएसवीए की, ठीक है, ग्रॉस सेक्टर जो आपका क्षेत्रवार योगदान क्या है। मतलब देखो अपन समझते हैं अर्थव्यवस्था है, कोई भी कार्य अर्थव्यवस्था होती है उसके तीन क्षेत्र होते हैं, क्या होता है, कृषि, उद्योग और इसके अलावा सेवा क्षेत्र। आपने ये पढ़ा होगा कृषि को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, कृषि से संबंधित चीजें प्राथमिक क्षेत्र में आ जाती है, उद्योग को हम विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं और सेवा क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कच्चा माल है, किसी चीज का हम उत्पादन करते हैं, ठीक है, जैसे खेती कर रहे हैं, खेती में आपने गन्ना उगाया, गेहूं उगाया, बाजरा उगाया, ये कैसा है, ये प्राथमिक क्षेत्र है और कृषि कार्य है, ठीक है। फिर वही आपका गेहूं मार्केट में गया और किसी फैक्ट्री में जाकर के उसका बिस्किट बना दिया, ठीक है, तो ये जो बिस्किट बनाया मतलब गेहूं को परिवर्तित करके गेहूं का मूल्य बढ़ा दिया, बिस्किट, केक या कोई और आटा बना दिया, वो जो चीज बनाई वो होती है द्वितीयक क्षेत्र में, जिसको हम कहते हैं विनिर्माण उद्योग क्षेत्र, ठीक है, उद्योग क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र। वहां से वो चीज यानी जो गेहूं बने, गेहूं से जो बिस्किट बना है, केक बना है, उसको किसी गाड़ी में डाल करके, साधन में डाल करके शहर में पहुंचा दे, मार्केट में। अब जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है वो सेवा क्षेत्र से आता है, दुकान वाला आपको सेवा दे रहा है, आपको चीजें बेच रहा है, वो सेवा क्षेत्र में आता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे कुछ ले रहा हूं नहीं, आप मेरे चैनल पे आते हो, सब्सक्राइब किया, मैं आपको सेवा दे रहा हूं, तो मैं कौन से क्षेत्र का आदमी हुआ, मैं तृतीयक क्षेत्र का आदमी हुआ। अब आप बताओ स्टूडेंट कौन से क्षेत्र में आता है, ठीक है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, किसान वगैरह जो मूल उत्पादन करते हैं वो होते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, जो बीच में मतलब जो किसी वस्तु का मूल्य वर्धन करते हैं वो उद्योग क्षेत्र में, और जो सेवाएं देते हैं, वस्तु नहीं लेते बल्कि सेवाएं देते हैं, उनको हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अब हम इन तीनों क्षेत्रों का क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब इंडिया छोड़ देंगे हम, क्योंकि ये हम राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, इसका नाम राजस्थान की बात करेंगे। यहां मैंने सेक्टर्स लिखे, तीन सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर जिसको हम कृषि कहते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री जिसको हम उद्योग कहते हैं, और सर्विस जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब ये तीनों क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों का राजस्थान की इकोनॉमी कितना कितना योगदान है, मतलब कितने लोग हैं जो खेती करते हैं, खेती है, मतलब ये जो हमारा जीडीपी आया ना, देखो आप ये कितना है राजस्थान का, 11.96 लाख करोड़ रुपए, इसमें से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पैसा दे रहा है, कौन सा क्षेत्र कम पैसा दे रहा है, वो हम यहां तय करेंगे। मतलब हम समझेंगे कि इस 11.96 लाख करोड़ रुपए में खेती से कितना प्रतिशत आता है, इंडस्ट्री उद्योग से कितना था, और सर्विस सेवा क्षेत्र से कितना था, ये हम इसमें समझेंगे। देखो अगर हम बात करें कांस्टेंट प्राइस पे, फिर आ गया कौन सा मूल्य प्रचलित, आधार वर्ष बताओ 2011-12 पूछेगा, आधार वर्ष क्या है, मतलब स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष 2011-12 इसमें क्या है भाई, इसमें हम बात करें 2021-20 में और 2021-22 में, अलग अलग दे रखा है। देखो 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर हमारे कृषि क्षेत्र का योगदान था 30.45%,
एग्रीकल्चर का योगदान 30.45% था 2020-21 में, जो कि घटकर के, क्योंकि यहाँ पे कमी आई है, घटकर के कितना हो गया, तो घटकर के 28.85% हो गया। यानी अब राजस्थान में एग्रीकल्चर का योगदान 28.85 है, कौन सी प्राइस पर, कॉन्स्टेंट प्राइस पर, ठीक है। फिर है उद्योग का योगदान 25.26 था, जो कि बढ़ करके कितना हो गया है 26.34%, ये प्लस का मतलब बढ़ करके हुआ, ठीक है। और 44.29% सेवा क्षेत्र का योगदान था, जो कि बढ़ करके 44.81% हो चुका है। आपको ये डाटा क्या करना है, याद रखना है कि वर्तमान में 2021-22 में कॉन्स्टेंट प्राइस पे यानी प्रचलित मूल्यों पर इसकी क्या स्थिति है। तो अगर हम बात करें 2011-12 की स्थिति आधार वर्ष के आधार पर, तो कृषि क्षेत्र का योगदान 28.85% है, ठीक है, उद्योग का 26.34% और 44.81% योगदान किसका है, आपके सेवा क्षेत्र का। अब हम बात करेंगे करंट प्राइस पे, तो 2020-21 में राजस्थान के कृषि क्षेत्र का योगदान करंट प्राइस पर था 30.98, जो कि घटकर के कितना हो गया है 30.23%। और इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें 23 उद्योग का 23.42 था, जो कि हो गया 24.67, जो कि बड़ा है, और 45.60 था, जिसको घटकर के कितना हुआ 45.10%। ये कौन सा है, तो ये याद रखना, ये डाटा है हमारे कौन से आधार पर, कौन से करंट प्राइस पे, यानी वर्तमान में जो प्राइस चल रहा है उसके आधार पर ये प्रतिशत निकाला गया है। ये इंडिया है, देख लो इंडिया की क्या स्थिति है, 18.76% कृषि क्षेत्र का योगदान है, 28.20% उद्योग क्षेत्र का योगदान है, 53.4% जो कि किसका योगदान है, सेवा क्षेत्र का। अब आप समझ के देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में यानी भारत की जीडीपी में और राजस्थान की जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का कितना है, 44.29% किसका योगदान है, सेवा क्षेत्र का। और इसके अलावा भारत की जीडीपी में 53% किसका योगदान है, सेवा क्षेत्र का। अब देखिए जिस देश के अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही तेजी से क्या बढ़ती है, आगे बढ़ती है। यानी सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा होना आवश्यक है, और वैसा भारत के साथ में हो रहा है, जैसा कि मैंने ऊपर वाला बताया, इसमें भी हमारी जीडीपी 9.2% से बढ़ रही है और यहां पर हमारा सेवा क्षेत्र का योगदान भी बढ़ रहा है। एक बार आपको कौन से डाटा याद रखना, ये वाला याद रखना कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार राजस्थान का एग्रीकल्चर में स्थिर कीमतों पर कितना योगदान है 28.85, उद्योग का कितना है 26.34 और सेवा क्षेत्र का कितना है तो 44.81। इसके अलावा बात करें करंट प्राइस पर कितना है 30.23, 24.67 और 45.10% अलग अलग सेक्टर का है। अब आप याद करो, इतना सारा डाटा याद नहीं होता तो ऐसे करो 28, 26, 47, 30, 24, 45 ऐसे याद करो, यानी 28, 26, 44 ये है 2021-22 का कॉन्स्टेंट प्राइस पर, 30, 24, 45 ये आपके किसका है 2021-22 के इस करंट प्राइस पर। तो ये इनको थोड़ा डाटा को पास पास लिख लो और दोबारा 2-3 बार समराइज करो, रिवाइज करो, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में यहां से क्या पूछा जाता है सवाल। और भारत का डाटा 18% कृषि का योगदान, 28% उद्योग का, 53% किसका योगदान, आपके सेवा क्षेत्र का योगदान है। बड़ा एग्जाम है तो आपको क्या दे देंगे, तथ्य, मतलब आपको वहां पर कथन दे देंगे और कथन में कौन सा सही है कौन सा गलत ऐसे निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल एग्जाम होगा यानी छोटा कोई एग्जाम है कांस्टेबल का हो गया, तो इसमें आपको फैक्ट दे देगा यानी सीधा आपको प्राइस या फिर परसेंटेज पूछ लेगा, वो आपको क्या रखना है याद रखना। आई होप यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि राजस्थान में पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम का मतलब हुआ कि राजस्थान में एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति कितना कमाता है। यानी ऐसे कैसे प्राप्त करते हैं, तो भारत की अगर हमें निकालनी है प्रति व्यक्ति आय, तो हम जीडीपी में किसका भाग दे देते हैं, सॉरी राष्ट्रीय आय में किसका भाग देते थे, कुल जनसंख्या, यानी जो हमारी एनआई आती है, नेशनल इनकम आती है, उसमें हम टोटल पॉपुलेशन का भाग दे देते हैं। उसके बाद हमारी क्या आती है, व्यक्तिगत खर्च जो आय आती है वो हमारी क्या होती है, पर कैपिटल इनकम होती है, ठीक है। तो अब ये पर कैपिटल इनकम जो है, अगर हम कॉन्स्टेंट प्राइस पे बात करें, 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर बात करें, तो राजस्थान की कितनी है 81,231, ये याद रखना 81,231 रुपए क्या है, कांस्टेंट प्राइस पर पर कैपिटल, यानी प्रति व्यक्ति आय अगर आधार वर्ष के आधार पर एक व्यक्ति कितना कमाता है 81,231, और करंट प्राइस में 135,218 रुपए, ये हमारे पर कैपिटल यानी प्रति व्यक्ति आय है। यानी जो ये टोटल यहां पर, ये राष्ट्रीय आय नहीं है, ये तो जीएसडीपी दे रखा है, जीएसडीपी में हम आगे एनएसडीपी निकालते हैं, ठीक है, फिर आगे और चीजें निकालते हैं, उसके बाद में राष्ट्रीय आय आती है, उसमें हम जनसंख्या का भाग देते हैं, तब जाके प्रति व्यक्ति आय आती है। और राजस्थान की कांस्टेंट प्राइस पे प्रति व्यक्ति आय 81,231, करंट प्राइस पर है 135,218 रुपए, ये आपको क्या रखनी है, याद रखनी है।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि राजस्थान का एनएसबीपी कितना है। अगर हम जीएसबीपी में से मूल्य ह्रास घटा दें, मतलब इसके जो वस्तुओं का सेवाओं में मूल्य का ह्रास हुआ है उसको घटा दें, तो एनएसबीपी आता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है, जो कि राजस्थान का 2021-22 में कितना था, 6,48,142, यानी आपके याद रखना 6.48 लाख करोड़ रुपए, ये इतना था, जो कि 18.01% की वृद्धि हुई। और अगर आप स्थिर कीमत मतलब कांस्टेंट प्राइस पे बात करें, सॉरी करंट प्राइस पे प्रचलित कीमतों पे बात करें, तो ये है 10.78 लाख करोड़ रुपए। ये आपको याद रहे तो ठीक है, पहला क्या होता है अगर डीप जाएगा कोई क्वेश्चन में तो इधर जा सकता है। याद रखना एनएसडीपी कितना है, राजस्थान का एनएसडीपी कितना है, तो 6.48 लाख करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर कितना है, तो 10.78 लाख करोड़ रुपए। आपको यहां तक याद रहे तो ठीक है। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने आपको बताया है कि 2021-22 में कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ। खाद्यान्न मतलब जो वस्तुएं हम खाने में उपयोग लेते हैं, मतलब जैसे बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, इनका कितना उत्पादन हुआ हमारे, तो वो हुआ है 225.20 लाख मेट्रिक टन। यानी इतना क्या हुआ है राजस्थान में, फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है, यानी खाद्यान्न का क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। इसके अलावा आईआईपी की क्या, इसके अलावा आईआईपी की क्या स्थिति है, यानी इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है, तो 131.33। ये सीधा डाटा याद करो, अब देखो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं और समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए सीधा डाटा याद करो। इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है, 133.33, ये याद रखना है 2011-12। फिर है होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है, मतलब हमारा थोक मूल्य सूचकांक कितना है राजस्थान का, राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक है 369.01, जिसमें कितनी वृद्धि हुई है, 9.78 की वृद्धि हुई है 2021-22 में। देश ये याद रखना 1999-2000, ये आरएस 2018 में पूछा हुआ सवाल है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है, यानी जो हमारा थोक मूल्य सूचकांक है वो कितना है, वो है 369.01, 9.78 की वृद्धि दर के साथ में। ये भी आपका ये डाटा भी आपको याद, बेस ईयर याद रखो सबका, एक सिंपल तरीका, बेस ईयर 2011-12 है मोस्ट ऑफ थिंग का, ज्यादातर चीजों का बेस ईयर 2011-12 है, लेकिन यहाँ पे ये बेस ईयर जो WPI है, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो हमारा है थोक मूल्य सूचकांक है, उसका थोड़ा सा क्या है चेंज है, जो कि कितना है, 1999-2000 के आधार पर दिया गया है। इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितनी है, यानी राजस्थान में टोटल ऊर्जा कितनी है, तो 23,321 मेगावाट बिजली उत्पादन है राजस्थान का, और भारत का है 3,93,390 मेगावाट, यानी भारत में और राजस्थान में इतनी बिजली उत्पादित है, मतलब हमारे पास इतना कैपेसिटी है कि हम इतना उत्पादित कर सकते हैं। राजस्थान कितना कर सकता है, 23,321 मेगावाट, और भारत कितना कर सकता है, 3,93,380 मेगावाट क्या कर सकता है भारत उत्पादन कर सकता है। तो ये आपको मैंने चीजें बताई जो मोटा मोटी आपको क्या रखनी, याद रखनी कि कितना जीडीपी, नॉर्मली आपको कौन से डाटा याद रखने, आपको ये याद रखना है कि भारत की जीडीपी क्या है कांस्टेंट प्राइस पे 147 लाख करोड़, राजस्थान की 7.33 लाख करोड़, करंट प्राइस पर भारत की 232 लाख करोड़, राजस्थान की 11.96 लाख करोड़, भारत की वृद्धि दर 9.2%, राजस्थान 11.4%, करंट प्राइस पर 17.6% और राजस्थान के 18.4%, ठीक है। जीवीएम योगदान देखें तो राजस्थान में कृषि क्षेत्र का वर्तमान योगदान 28%, 26% और 44%, करंट प्राइस पर कितना है 30%, 24% और 45%, और भारत का 18%, 28% और 53%, ये शॉर्ट में याद करना है। पर कैपिटल इनकम राजस्थान की कितनी है, तो राजस्थान की 81,231 2021-22 कॉन्स्टेंट प्राइस पर, और 135,218 राजस्थान के पर कैपिटल इनकम की बात करें तो कांस्टेंट प्राइस पे 81,231 है और करंट प्राइस में 135,218 है, ठीक है। और इसके अलावा भारत की बात करें, भारत का कितना है कांस्टेंट प्राइस पे पर कैपिटल इनकम, यानी एक व्यक्ति कितना कमाता है 93,973, और करंट प्राइस में वर्तमान में कितना है 150,326 रुपए, या आपके रुपए में है, ठीक है, करोड़ों में नहीं, इतने 1.5 लाख रुपए कमाता है एक व्यक्ति भारत में वार्षिक, ध्यान रखना पर कैपिटल इनकम वार्षिक होती है, एक साल में एक व्यक्ति इंडिया में कितने कमाता है 1.5 लाख रुपए, और राजस्थान में कितना कमाता है 1,35,000 रुपए, ये हमारी पर कैपिटल इनकम है। आई होप यहां से आपको सारा का सारा क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम ये बात करते हैं राजस्थान सरकार की कुछ फ्लैगशिप योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजना क्या होती है, फ्लैगशिप योजना उसे कहते हैं कि जो विशेष योजना है। देखो अगर मैं कहूं कि आपसे भाई ये जो पॉइंट है इसको याद करो, ठीक है, और इसके ऊपर फ्लैग लगा दो, और फ्लैग का मतलब हुआ इसके ऊपर झंडा लगा दो, यानी इसको मोस्ट कर दो, तो इसका मतलब आप इसको इतने सारे डाटा में से इस डाटा को सर्वे महत्व दोगे। तो राजस्थान सरकार और भारत सरकार हर साल बहुत सारी योजनाएं लेके आती है, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो कि क्या होती है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिनका ज्यादा महत्व होता है, उनको हम फ्लैगशिप योजनाएं कहते हैं।
राजस्थान की 26 योजनाएं ऐसी जिनको फ्लैगशिप योजना है, जिनका इकोनॉमिक सर्वे में क्या कर रखा है वर्णन, मैं उनका आपको नाम बताता हूं और एक बार आप नाम याद जरूर रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है कि निम्न में से, सवाल कैसा है कि निम्न में से कौन सी योजना फ्लैगशिप योजना नहीं है। चलिए कैसे, अब अपन समझते हैं। चलिए नाम मैं सुना देता हूं आपको, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये पहली योजना फ्लैगशिप योजना है। निरोगी राजस्थान अभियान, तो ये दो अभियान याद रखने, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, दवा योजना और जांच योजना दोनों की दोनों इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें बीमा बनता है चिरंजीवी वाली योजना आपने सुनी, वो इसमें फ्लैगशिप में आती है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये फ्लैगशिप में राजस्थान सरकार की ये योजना है कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाए ताकि भविष्य में बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो आप भी ऐसी पढ़ाई कीजिए ताकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका दाखिला भी हो और अच्छे नौकरी लेने का भी फायदा हो। आरएस 1 पर केजी वेट 1 किलो रुपए गेहूं वाला, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग योजना जिसका बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री ओल्ड एज समन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी समन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समन पेंशन योजना, ये योजनाएं हैं। पालनहार योजना, राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस और एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2019, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान जन आधार योजना, विडो मैरिज गिफ्ट स्कीम, उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह योजना, चीफ मिनिस्टर कोरोना सहायता योजना, गडोलिया लोहार निर्माण ग्रांट एड स्कीम, गडालिया लोहार मटेरियल परचेज ग्रांट एड स्कीम और इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ये फ्लैगशिप योजना है। अब आपको इतनी लंबी चौड़ी याद नहीं रहेगी, लेकिन आप एक दो बार चार बार पढ़ो ताकि एग्जाम में सवाल आए तो एक आध ऐसी मिल जाए कि भाई इसको निकालना, तो वो निकाल सकते, ठीक है, बाकी किसी को भी इतना याद नहीं होता है। चलिए अब इसके अंदर क्या दे रखी है, इंडिया और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इंडिया और राजस्थान का डेमोग्राफिक दे रखा है। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या की क्या स्थिति है या फिर साक्षरता दर कितनी है, ये सारा दे रखा है, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो भारत का ये सारा जो डाटा बता रहा हूं ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। ये डाटा देखिए, भारत का जो आपका क्षेत्रफल है वो है 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर और राजस्थान का 3.82, तो आपको 34, 22, 39 आपने याद रखा, वो याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन है भारत की 121.09 करोड़ रुपए नहीं है, 121 करोड़ और राजस्थान की 6.85 करोड़। इसके अलावा ग्रोथ रेट कितनी है, तो भारत की ग्रोथ रेट है मतलब जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 17.7%, राजस्थान की 21.3%। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व कितना है, तो राजस्थान का है 200, भारत का है 382, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है मतलब कितने लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, तो राजस्थान में रहते हैं 24.9%, भारत में रहते हैं 31.1%। इसके अलावा कितने लोग हैं जो गांव में रहते हैं, तो इसमें से अगर आप काट दोगे तो 68% आएगा ग्रामीण क्षेत्र में और 75% आएगा राजस्थान का, ठीक है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट कितनी मतलब एससी जनसंख्या कितनी है, तो भारत में एससी जनसंख्या 16.6% और राजस्थान में 17.8%। एसटी के लोग कितने, राजस्थान में है 13.5%, भारत में है 8.6%। सेक्स रेशियो कितना है, सेक्स रेशियो बोलते हैं मतलब कि लिंगानुपात कितना है, तो भारत का है 943, राजस्थान का 928। इसके अलावा बच्चे, चाइल्ड सेक्स रेशियो, बच्चों का लिंगानुपात अगर बात करें तो 1,000 लोगों के पीछे बच्चों के पीछे लड़कियां कितनी पैदा होती है, तो राजस्थान में होती है 888 और भारत में होती है 919। इसके अलावा हम साक्षरता दर की बात करें तो राजस्थान में 66.1% लोग पढ़े लिखे हैं और भारत में 73% लोग पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, तो राजस्थान में पुरुष पढ़े लिखे 79.2%, भारत में पढ़े 80.9%। लिटरेट देश महिलाएं कितनी पढ़ी, तो भारत राजस्थान में पढ़ी 52.1% और राजस्थान में महिलाएं पढ़ी हुई 64, राजस्थान में 52.1% और भारत की महिलाएं पढ़ी है 64.6%, ठीक है। वर्क पार्टिसिपेशन यानी भारत में कितने लोग कार्य में लगे हुए, तो राजस्थान में 43.6% लोग काम में लगे हुए हैं और राजस्थान में 43.6% और भारत में 39.8%। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्थ रेट कितनी है, तो 23.7% राजस्थान की है और इंडिया की 19.7%, देख लीजिए आप ये पढ़ लिख लीजिएगा। क्रूड डेथ रेट मतलब कितने लोग मरे हैं, 5.7% राजस्थान की है और इंडिया की है 6%, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिचू, बच्चा पैदा होती है उसके पर 1,000 बच्चों में कितनी मृत्यु हो जाती है, बच्चे कितने 35 और इंडिया में 30 है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना है मतलब माताओं की कितनी मृत्यु, तो 164 है राजस्थान में, 113 है इंडिया में, ये काफी है, इसको कम करने की जरूरत है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी लोग कितने लोग कितनी उम्र तक जिंदा रहते हैं, राजस्थान में 68.7 साल तक जिंदा रहते हैं और इंडिया में
69.4% क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। आई होप आपको ये तक यहाँ पे क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगर हम बात कर ले कि राजस्थान के अंदर रॉड डेंसिटी कितनी है, मतलब सड़क घनत्व कितना है, तो राजस्थान का है 79.6 किलोमीटर और इंडिया का है 161.71 किलोमीटर। और ये सारी चीजें आपको याद, ये काफी है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीजें हैं आपको बहुत क्या करने वाली, हेल्प करने वाली है, बहुत ही आपको क्या लेके जाने वाली आगे, और आपके एग्जाम में इसमें से काफी सवाल बनने वाले। तो याद कीजिए ये वाली चीजें, एक बार याद करो कुछ चीजें ये, और ये क्षेत्रवार कितना योगदान है, और बाकी जो मैंने डाटा बताया ये डेमोग्राफी इसमें से याद करो, ताकि आपको डेमोग्राफी का आइडिया रहे। डेमोग्राफी का आइडिया का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के सर्वे के अंदर क्या क्या लिख रखा, मतलब राजस्थान सर्वे में जनसंख्या के बारे में क्या लिखा हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइव बीच में कट गया था इसलिए वीडियो रिकॉर्ड किया, इस वीडियो को रिकॉर्ड करके डाला, आप जरूर देखो बच्चों। चलिए आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, इसलिए वीडियो को एक बार क्या कर दो, शेयर कर दो। लाइव बीच में कट गया था इस वजह से मैंने क्या किया, इसको ये चीजें बाद में जोड़ दिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।